श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, राशि रत्न कार्यक्रम में मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मिथिलेश पांडे सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम वर्णन करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि स्वामी ग्रह बुध को माने जाते हैं और इसके जो अधिपति देवता होते हैं वो भगवान गणेश को माना जाता है। तो कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा यह मार्च का महीना 2020 का, इसके बारे में बताऊंगा और इसको बढ़िया से बढ़िया कैसे किया जा सकता है इसके बारे में बताता हूं। तो अंत तक हमारे वीडियो को देखते रहें और मित्रों आपसे निवेदन है कि इसमें इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि मैं अपनी नई नई जानकारी आप लोगों तक देता रहूँ और पहुँचाता रहूँ। तो कन्या राशि स्वामी ग्रह बुध लग्नगत जो स्थिति को देखा जाए बहुत ही बढ़िया समय इंडिकेट किया है। अर्थात व्यक्ति का यदि शरीर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई परेशानी बन रही हो तो स्वास्थ्य का लाभ होगा और व्यक्ति निरोग पूर्वक जीवन को व्यतीत करेगा। धन के दृष्टिकोण से देखा जाए, धन संपत्ति आदि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उपयुक्त कारक समय है। इसमें रुके हुए पैसे आदि हैं तो उसमें प्राप्ति होते हैं और यदि कोई नया काम करना चाहते हो, कुछ लेना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, बहुत ही उपयुक्त समय है। अर्थात कोई घर, मकान, भूमि, भवन, वाहन, इससे रिलेटेड कुछ यदि आप लेना चाहते हो अथवा बेचना चाहते हो, क्रय अथवा विक्रय करना चाहते हो, कोई गोल्ड आदि खरीदना चाहते हो, यह बहुत ही अच्छा समय है। शुभ कारक रहेगा आपके लिए, इसमें आपके काम बनेंगे और खासकर शनि पंचम भाव में अपनी राशि में होने के कारण, अपनी राशिगत होने के कारण विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। विद्यार्थी जीवन के लिए उच्च शिक्षा की प्राप्ति, उन्नति, प्रगति, प्रोग्रेस कारक समय इंडिकेशन इंडिकेट करता है। और खासकर संतान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यदि आप कोई प्लानिंग चाहते हैं संतान प्राप्ति के लिए तो यह मंथ बहुत ही लाभकारी है, आप इसका प्लानिंग कर सकते हैं। और छठे भाव में सूर्य बुध की युति दर्शाती है और खासकर 11वें नंबर में सूर्य और बुध की युति होने के कारण कहते हैं ऋण, रोग और शत्रु पर व्यक्ति का वर्चस्व होता है। यदि आप कर्ज आदि लेकर कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हों तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपको शीघ्र कर्ज आदि मिलने में शीघ्रता होगी। लोन आदि लेना चाहते हों तो यह उपयुक्त समय है, आप लेकर अपना बिजनेस व्यापार को बढ़ा सकते हैं। अथवा किसी के पैसे आदि लेने हों तो आपको प्राप्ति का योग के दृष्टिकोण से भी बहुत ही बढ़िया समय माना जा रहा है। और शत्रुओं पर वर्चस्व होना, खासकर छठे भाव की स्थिति के आधार पर यदि कोई केस मुकदमा चल रहा हो, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही हो, बहुत दिनों से परेशानी आ रही हो तो इस मंथ में इससे इसका निष्पादन होने का योग दर्शाता है। अर्थात इसमें निपटारा होने का योग इंडिकेट करता है। तो यह बहुत ही उपयुक्त समय है, इन क्षेत्रों में आप इसको प्रयास कर सकते हैं और अपने लाइफ को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। यदि सप्तम भाव को देखा जाए तो सप्तम भाव के स्वामी की जो स्थिति इंडिकेट किया है चतुर्थ भाव में है, ऐसे भाव में खास करके वैवाहिक पारिवारिक जीवन बहुत ही बढ़िया रहता है। अति पति पत्नी के संबंध में कोई परेशानी आ रही हो अथवा कोई आपस में केस मुकदमा की स्थिति बनी हुई हो, तलाक आदि की स्थिति बनी हुई हो, ऐसे स्थिति में आपके लिए अच्छा समय है। इससे आपको छुटकारा प्राप्त होगा और पति पत्नी के सामंजस्य बहुत ही अच्छे होंगे। विवाह में खास करके जिनका विवाह में विलंब हो रहा हो, बात का नहीं बन पाना, बनते बनते कटना, तय होकर कटना, उस तरह की यदि स्थिति बन रही हो तो इस मास में उसका निष्पादन होगा। अर्थात विवाह के योग बनेंगे और उन्नति और प्रगति को आप प्राप्त करेंगे। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, शीघ्र विवाह आदि के लिए अथवा विवाह में कोई परेशानी ज़्यादा बन रही हो तो खासकर कन्या राशि वालों जातकों के लिए एक पन्ना रत्न और साथ में गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही लाभकारी, अर्थात शीघ्र विवाह को करवाने वाला, विवाह के बाद पति पत्नी के संबंध को मधुर करने वाला, संतान के दृष्टिकोण से यदि परेशानी बनती हो तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हो इस दृष्टिकोण से भी बहुत ही बढ़िया समय है। अर्थात आप बिजनेस व्यापार, देश विदेश से रिलेटेड कोई यात्रा करना चाहते हो उसके लिए बहुत बढ़िया समय है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हो उसके दृष्टिकोण से भी बहुत बढ़िया है। और जॉब आदि के दृष्टिकोण से देखा जाए
तो जॉब की प्राप्ति का योग दर्शाता है, अर्थात नौकरी आदि लगने के योग बनते हैं। यदि आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो उसमें उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, धन की वृद्धि, इसका योग इसमें इंडिकेट करता है। और यदि कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हों तो उसमें भी सफलता की प्राप्ति, और यदि व्यापार कर रहे हों तो दशम भावगत राहु मिथुन राशिगत होने के कारण पद प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति धन में वृद्धि का योग बनाता है, और यह समय बहुत ही उपयुक्त कारक माना जाता है। आय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके आय भाव के स्वामी जो चंद्रमा बनते हैं उसकी स्थिति, कुंडलीगत स्थिति अच्छी स्थिति होने के कारण व्यक्ति को आय की प्राप्ति, अर्थात जहाँ आय की प्राप्ति हो रही हो उसमें वृद्धि का योग बनता है। कोई रुके हुए पैसे वगैरह हों, आकस्मिक धन की प्राप्ति का योग भी इसमें इंडिकेट करता है, अथवा एक से ज़्यादा स्थानों से कभी कभी आय की प्राप्ति करवाता है, तो बहुत ही उपयुक्त समय माना जा रहा है। और व्यय भाव के दृष्टिकोण से सूर्य शनि की राशि में होने के कारण बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, अर्थात थोड़ी खर्च की अधिकता ज़्यादा व्यय को करवा देता है, लेकिन आपका जो व्यय होगा वह प्रगति कारक कार्यों पर व्यय होगा, इसलिए यह व्यय अच्छा माना जाता है। प्रगति कारक कार्यों पर व्यय का योग दर्शाता है। तो खासकर कन्या राशि वालों के लिए और क्या उपाय करने चाहिए जिससे उसको अधिक से अधिक सफलता की प्राप्ति हो सके, तो मित्रों आप एक पन्ना नीलम और ओपल रत्न को धारण करें और ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन अथवा बुधवार के बुधवार जप करें, और बुधवार के दिन कुछ खाने की वस्तु का, खासकर हरी वस्तु का यदि आप दान करते हों लगातार 25 बुधवार, तो बहुत ही उपयुक्त कारक माना गया है। तो खासकर इस महीने और आगे दिन के लिए भी, खासकर कन्या राशि वालों के लिए ये जो मैंने उपाय बताया बहुत ही लाभकारी और अच्छा माना जाता है। तो मित्रों यह हमारा YouTube चैनल है, यदि आप किसी तरह का कोई प्रश्न पूछना चाहते हों, कोई कंसल्टेंसी करवाना चाहते हों, अथवा जो है आप मिलना चाहते हों तो हमारे नंबर पर संपर्क करके आप हमसे मिल सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों यह मेरा YouTube चैनल है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक जानकारी और नई नई जानकारियाँ मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। और इसी के साथ पुनः मिलते हैं, नमस्कार।